संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, आपने भगवान शिव की अनेक अनेक गाथाएं वेद पुराणों के माध्यम से सुनी होंगी, परंतु आज मैं आपको भगवान शिव और उनके एक अनन्य भील भक्त की सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि इस घनघोर कलयुग में भी भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करने हेतु दौड़े दौड़े आते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव और भक्त भील की ये पावन संगीतमय कथा। कृपा करो हे शंकर, एक भील ने पुकारा। कृपा करो हे शंकर, एक भील ने पुकारा। अपने भगत को दे दो आकर के तुम सहारा। किसी गांव में एक भील रहा करता था। भक्तों, पशुओं का शिकार कर अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिवस कोई शिकार हाथ ना आया तो उसने रात्रि में शिकार करने की ठानी और वो एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। परंतु उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी था जिस पर उसका ध्यान कदापि नहीं गया। वो जब भी हिलता डुलता बेल पत्र शिवलिंग पर गिर जाते थे। वो जब भी पानी पीता उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर जाती थी। इसी तरह रात्रि में वो शिकार का इंतजार कर रहा था और अनजाने में ही भगवान शिव का पूजन भी करता जा रहा था। अनजाने में शिकार था कि तभी एक हिरनी झाड़ियों से प्रकट हुई। भक्तों, जो ही उसने हिरनी को देखा उसे मारने हेतु धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी वो हिरनी आंखों में आंसू लेकर उससे मानव स्वर में बोली, हे शिकारी,
मैं गर्भवती हूँ, मुझे कृपा कर मत मारो। मैं कुछ समय पश्चात बच्चों को जन्म देकर स्वयं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। ना जाने क्यों भील के मन में दया का भाव जाग गया भक्तों, और उसने हिरणी को वहां से जाने दिया। हिरणी जो देखी उसने उसे मारने को आया, हिरणी जो देखी उसने उसे मारने को आया, रोई वो गिड़ गिड़ा कर दया मन में वो थलाया, रोई वो गिड़ गिड़ा कर दया मन में वो थलाया, इस पे दया मन में था वो बेचारा। कृपा करो हे शंकर, एक भील ने शिकार की प्रतीक्षा में कुछ हिला डुला भक्तों, और फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा चढ़े। पानी पिया तो कुछ बूंदे फिर शिवलिंग पर जा गिरी। अचानक झाड़ियों में से फिर हलचल हुई भक्तों, क्या देखता है एक मोटा ताजा हिरण झाड़ियों से प्रकट हुआ। उसने मन में सोचा इस हिरण को कदापि हाथ से नहीं जाने दूंगा। जूं ही मारने को धनुए पर बाण चढ़ाया तो एक बार फिर वो हिरण मानव स्वर में शिकारी से बोला, हे शिकारी मैं शीघ्र ही पिता बनने वाला हूं, एक बार अपने बच्चों का मुख देख लूं तो फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास मरने हेतु आ जाऊंगा। भील के मन में फिर दया का भाव जाग गया भक्तों, और उसने हाथ पाया शिकार फिर छोड़ दिया, जाने दिया उसने हिरण को। रोया जो भक्तों हिरण मन में दया समाई, रोया जो भक्तों हिरण मन में दया समाई, जाने शिकारी मन में सोच रहा था कि ये उसे क्या हो गया है, जिन जीव जंतुओं को जीवन भर मारता रहा आज उन्हें मारते समय उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है, हिल डुल रहा है, और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए जा रहा है। पानी पीते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करता जा रहा है कि तभी एक बार फिर झाड़ियों में हलचल हुई। क्या देखता है हिरण के दो छोटे छोटे बच्चे झाड़ियों से बाहर निकले। अब शिकारी ने सोचा इनको तो किसी हालत में यहां से जाने नहीं दूंगा।
जैसे ही उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चलाया, वो हिरण के बच्चे आंख में आंसू लेकर शिकारी से बोले, हे शिकारी, हम अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, एक बार अपने माता पिता का मुख देख लें, उसके बाद भले ही तुम हमें मार ले। हिरण के बच्चों की आंख में आंसू देखकर शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोच रहा है, ये मुझे क्या होता जा रहा है, मेरे मन में दया के भाव क्यों जाग रहे हैं, मेरी आंखें आज शिकार करते हुए क्यों भीग रही हैं। और भारी मन से उसने हिरण के बच्चों को भी जाने दिया। बच्चों को कैसे मारूं, मन में वो सोचे जाए, बच्चों को कैसे मारूं, मन में वो सोचे जाए, ना जाने कैसे मन में उसके दया समा, विरक्ति भक्ति का भाव जागा। देखते देखते सुबह का पहला पहर आ गया। भक्तों, भील ने फिर कुछ बेल पत्र और जल शिवलिंग पर अनभिज्ञता से चढ़ा दिए और देवादिदेव महादेव भोले भंडारी उसकी अनजाने में की गई भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और भील को अपने दर्शन दिए। भील हैरान परेशान था, भोलेनाथ के चरणों में गिर गया और बार बार क्षमा याचना करने लगा। बोलने लगा, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो कृपा कर मुझे क्षमा करें। तब भोलेनाथ ने उसे अपने हाथों से उठाया और कहा, नहीं नहीं भील, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुमने तो अनजाने में मुझ पर बेल पत्र और जल चढ़ाया है और तुमने दया भाव के कारण हिंसा का भी त्याग किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। इस पर भील ने कहा, भोलेनाथ, बहुत हिंसा कर ली, बहुत मांस का व्यापार कर लिया, अब तो बस अपनी शरणागति दे दीजिए। भोलेनाथ ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया और अपनी अनन्य भक्ति उसे वरदान स्वरूप दी। तो ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी भक्तों, जो अनजाने में की हुई भक्ति से भी प्रसन्न होकर भक्तों को दर्शन दे देते हैं। ऐसे भोले भंडारी के लिए दोनों हाथ उठाकर सच्ची श्रद्धा सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। हुए प्रसन्न भंडारी उसको दरस दिखा, पारो तो